नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ की जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के सोकहना निवासी छात्रा ने डांट से क्षुब्ध होकर दुपट्टे के सारे फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जिला अस्पताल। जानकारी के अनुसार सोकहना निवासी तारा दुबे पुत्री रामाशंकर दुबे, उम्र 15 वर्ष, जो स्मिथ इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं की छात्रा ने परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर अपने घर पर सोमवार को दिन में 2 बजे कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। इस दौरान बड़ी बहन ने देख लिया और चिल्लाने लगी। आनंद खानन में परिजनों ने फांसी से उतरकर अजमत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पिता रामाशंकर दुबे पुत्री रामप्यारी दुबे ने अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह पटेल को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पिता की तहरीर पर इस्तगासा दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक तारा दुबे 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वहीं मौत की सूचना पर घर व परिवार में कोहराम मच गया।